खाना वगैरह कैसा रहता है? ठीक है विशाल का खाना वगैरह कैसा रहता है, कैसा कैसा खाना मिलता है, क्या क्या मिलता है, कितने टाइम मिलता है? और रात को 8:30 का टाइमिंग रहता है, ठीक है 8:30 बजे गेट लग जाता है उस। राइट यार, स्वागत आप सभी का और एक नए वीडियो में। ठीक है तो आज वाला वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। तो बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, उसका आंसर वगैरह आप लोगों से करूंगा, ठीक है। और हॉस्टल बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, हॉस्टल का रिव्यू, हॉस्टल कैसा है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा कुछ क्वेश्चन आ रहा है हॉस्टल को लेके। तो आज पूरा हॉस्टल के बारे में आप लोगों को सब कुछ बताएंगे और थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन ही बताएंगे। और ये वाला वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं अभी मतलब घर में आया हूँ, ठीक है, और मतलब सुबह दिन सारा दिन बारिश होता रह रहा है, ठीक है, तो बाहर जाने को ब्लॉग वगैरह नहीं हुआ है, तो सोचा हूँ एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो बना दो आप लोगों के लिए। अभी मैं फिलहाल मेरे घर में हूँ, ठीक है, और मैं घर में मतलब कहाँ हूँ, तो अभी मैं फिलहाल मेरे घर में छत में आया हूँ, ठीक है, तो आप लोग को दिखाते हैं व्यू कैसा है। तो ऐसा ही क्यों कुछ व्यू है, ठीक है, इधर सब झाड़ियाँ वगैरह है और उधर सामने से रास्ता गया है, तो हम लोग का घर से छत से कुछ व्यू है ऐसा है। और मैं मतलब मेरे एक भाई को बुला के लाया हूँ, ठीक है, वीडियो वगैरह बनाने के लिए, वो अभी शर्टलेस है इसलिए उसको नहीं दिखाऊंगा, तो ऐसा ही कुछ व्यू है। तो अभी जो मेन वाला वीडियो है तो वो वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल मेन वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं ये वाला वीडियो ऐसे बनाना चाहता था, मतलब हॉस्टल में जाके अच्छे से सबसे पूछ के वगैरह ऐसे बनाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ मतलब हम लोग मतलब मेरा जो फ्रेंड वगैरह था वो लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल में था, अभी सेकेंड ईयर में हो चुका हम लोग का, तो वो लोग हॉस्टल छोड़ दिया, बाहर चला गया। अभी हॉस्टल में कोई फ्रेंड मेरा जान पहचान वाला नहीं है, तो हॉस्टल में वाला वीडियो मैं जाके नहीं बना पाया, इसलिए मैं कॉल करके पूछ के वगैरह सब कुछ डिटेल्स वगैरह लेके ही मतलब जो जेन्युइन जो डिटेल्स है वहीं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हवा में बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं कॉल करके सबसे पूछा और सबके मतलब सब कुछ बारे में जाना है उसके बाद ही आप लोगों को बोलने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, पहले कुछ क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, ठीक है, कमेंट्स में जो क्वेश्चन आता है मतलब कॉमन जो क्वेश्चन रहता है पहले उसका आंसर कर देते हैं, उसके बाद हॉस्टल का रिव्यू पे जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अभी जो क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का, तो क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में जाता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भाई क्लब वगैरह नहीं है क्या कॉलेज में? हाँ क्लब वगैरह क्यों नहीं, बहुत सारा क्लब है, उन सब में तुम्हारा रिक्वायरमेंट भी होता है, मैंने एक ब्लॉग भी है, ठीक है, जो मैं गया था मतलब बुलाया था वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसमें गया था, तब लोग देख लोगे, ठीक है, तो वाला ब्लॉग भी है, क्लब वगैरह है, क्लब वगैरह कोई चिंता नहीं है। अभी दूसरा क्वेश्चन में जाता है, सब्जेक्ट कुछ तो ठीक है लेकिन पढ़ाई कैसी होती है, प्रोफेसर हिंदी में भी बोलते हैं या फिर बंगाली में ही, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में आता है ना, व्हाट एवर दे टीच। देखो प्रोफेसर हम लोग को हिंदी में थोड़ा थोड़ा हिंदी में पढ़ाता है और बाकी का पूरा जो क्लास होता है इंग्लिश में ही होता है, ठीक है, इंग्लिश में प्रोफेसर वगैरह पढ़ाते हैं और समझ आ जाते हैं, ठीक है, उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है और प्रोफेसर लोग बहुत ही अच्छे रहते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उतना कोई टेंशन नहीं है, तुम समझ जाओगे, सब लोग ही समझ जाते हैं तो तुम ही समझ जाओगे, ठीक है, तो उतना कोई टेंशन नहीं है, तो आसान है, उतना कुछ ये नहीं है, समझ जाओगे जो भी है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, ठीक है भाई थंबनेल कौन से ऐप से बनाते हो, ठीक है, मैं थंबनेल बनाता हूँ, पिक्सल नाम का एक ऐप है और पिक्सल लैब नाम का एक ऐप है, ठीक है, दोनों ही तुम्हें प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो पिक्सल और पिक्सल लैब दोनों ऐप। भैया WBJI का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा? देखो काउंसलिंग स्टार्ट तो होगा इसी महीने के एंड से स्टार्ट होने का तुम लोगों का पूरा पूरा चांस है, ठीक है, अभी अगले हफ्ते में, अभी तो मतलब आज तो संडे है, तो इसी हफ्ते मतलब मंडे से सैटरडे के बीच में आ जाना चाहिए, डेट के कैब से क्या कुछ होगा, तो अभी कुछ दिन बाद ही स्टार्ट होने वाला है काउंसलिंग। तो गाइस अभी फिलहाल वो वाले पार्ट में जाते हैं वीडियो का, ठीक है, जिसके लिए आप लोग आए हो, हॉस्टल का रिव्यू और हॉस्टल के बारे में बहुत सारा कुछ क्वेश्चन, ठीक है, पूरा सब कुछ बता दूंगा। और ये वाला जो मैं हॉस्टल का बात करूंगा, ठीक है, बालाजी हॉस्टल है, बालाजी हॉस्टल और रानीचक हॉस्टल यही दोनों हॉस्टल है, और एक हॉस्टल उसका नाम पता नहीं है, मतलब याद नहीं है अभी, तो यही दोनों हॉस्टल फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो आप लोग जब आओगे तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोग कौन से हॉस्टल लोगे, तो ये वाला जो हॉस्टल के बारे में बताऊंगा ये बालाजी हॉस्टल का है। तो स्टार्ट करते हैं, बालाजी हॉस्टल के बारे में सब कुछ बताना आप लोगों को, तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, रूम में कितने लोग रहते हैं हॉस्टल में? तो देखो हॉस्टल में जो एक रूम है, बालाजी का जो सिस्टम है, बालाजी के हॉस्टल में तुम्हें एक रूम पे 4 बेड मिलता है, ठीक है, और 4 लोग रह सकता है, और बेड वगैरह गद्दा वगैरह और तकिया वगैरह सब कुछ मतलब कॉलेज से हॉस्टल से प्रोवाइड करता है, तो सब ज़्यादा कुछ लाने का जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल ज़्यादा बारिश आ चुके हैं, अभी घर के अंदर जाते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों ने। तो गाइस अभी बात करते हैं फिलहाल के खाना वगैरह कैसा रहता है, ठीक है, हॉस्टल का खाना वगैरह कैसा रहता है, कैसा कैसा खाना मिलता है, क्या क्या मिलता है, कितने टाइम मिलता है। तो देखो खाना तो तुम लोगों को 4 टाइम मिल जाएगा, सुबह का और शाम का नाश्ता मिल जाएगा और दोपहर का और रात का खाना मिल जाएगा, ठीक है। तो सुबह का और शाम का जो नाश्ता रहता है, ठीक है, वो तुमको पराठे वगैरह, मैगी वगैरह और एग रोल वगैरह ये सब कुछ नाश्ता वगैरह मिल जाता है, और
दिन का और रात का जो खाना है तुम्हें मछली चिकन वेज ऐसा कुछ मिल जाएगा, रात में रोटी भी मिल जाएगा, तो खाने का कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, खाना तुम्हारा रहता है और तुम्हारा वेज मिल रहता है 35 का और मछली लोगे तो रहता है 45 का, अगर चिकन लोगे तो 60 रुपीस का रहता है और क्या और ऐसा ही कुछ रहता है। ठीक है, तुम जैसे खाओगे वैसे तुम्हारा बिल बनेगा और महीने के एंड में तुम्हें बिल पे करना पड़ेगा। तुम जैसे खाओगे, अब ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा बिल आ गया, अगर अब लोग कम खाओगे तो कम बिल आएगा, तो बिल का कुछ ऐसा सीन है। और खाना अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं बोलेंगे, खाना अच्छा है तो हो जाएगा। और उधर मतलब अब लोग का जब हॉस्टल में जब जहाँ मेस पे खाना खाओगे नीचे बैठ के, मतलब यहाँ पर हर हॉस्टल में ऐसा फीचर्स रहता है। ठीक है, मतलब नीचे मेस रहता है हर हॉस्टल का नीचे, तो वहाँ पर जाकर आप खाना वगैरह खा सकते हो। तो बालाजी हॉस्टल में वहाँ पर एक टीवी भी लगा हुआ है, ठीक है, आईपीएल वगैरह देख के खा सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है और बैठ के देख सकते हो। साइड में तुम्हारा कैरम खेलने का भी मिल जाएगा, ठीक है, मेस का ही उधर साइड में है, और टेबल टेनिस वगैरह भी मिल जाएगा, तो ठीक है, उतना भी कोई ये नहीं है, तो ऐसा ही कुछ है। तो अभी तो अपना लगभग हॉस्टल के बारे में, मतलब जो चीज़ आप लोग जानना चाहते हो, तो कितना रूम है, मतलब रूम की नहीं, हॉस्टल तो बड़ा बड़ा है, ठीक है, बहुत सारा रूम है, रूम में कितना लोग रहता है, खाने का क्या है, यही तो सब हॉस्टल के बारे में बोलना था। और हॉस्टल भी अच्छा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती होगा आप लोगों को अगर हॉस्टल में रहते हो तो पता है, मतलब मैं हॉस्टल में नहीं रहता है, मेरे फ्रेंड लोग रहते थे तो पता है, मस्ती तो फुल दम है, मस्ती होगा। पढ़ाई कैसा होगा वो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, और हॉस्टल भी अच्छा है, ठीक है, बहुत ही मस्ती वगैरह करोगे, और ख़ास करके जो जब होली वगैरह आएगा ना तब अलग ही माहौल रहता है हॉस्टल में, ठीक है। अगले साल मतलब जो आप लोग आओगे अभी तो हॉस्टल तो दिखोगे होली में, तो होली में हॉस्टल का मतलब तो होली में हॉस्टल का माहौल अलग ही रहता है। बस ऐसा ही था और कुछ नहीं है। सो गाइस, बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, हॉस्टल का टाइमिंग क्या रहता है, मतलब कब घूमने देता है, कब बाहर जाना देता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, गर्ल्स लोगों के लिए है, कि बॉयज़ लोगों के लिए तुम सुबह जब भी जाओगे तो गेट वगैरह खोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुबह तुम जब भी जाओगे तो गेट वगैरह खोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुबह तुम अगर कहाँ पर जाना होगा तो बोल दोगे तो गेट खोल देगा। और रात को 8:30 का टाइमिंग रहता है, ठीक है, 8:30 बजे गेट लग जाता है, उसके बाद भी आओगे तो कोई टेंशन नहीं है, गेट खोल देगा, मतलब अगर बोलोगे तो गेट खोलने के लिए तो गेट खोल ही देगा। लेकिन 8:30 बजे तक टाइमिंग रहता है। और आसपास हॉस्टल के जो बालाजी हॉस्टल है, मैं बालाजी हॉस्टल के बारे में बोल रहा हूँ, और जो बालाजी हॉस्टल उसके साइड में बहुत सारा मार्केट वगैरह है, ठीक है, वो खुदराम नगर मार्केट में पड़ता है, बहुत सारा मार्केट है, खाने का बहुत सारा दुकान है, उसका आपका कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारा दुकान है, सब कुछ मिल जाएगा। और हॉस्टल लाइफ अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा इन्जॉय करेंगे आप लोग। सो गाइस, तो ये वाले वीडियो में तो आप लोगों को बहुत सारा कुछ बता दिया हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल कैसा है, कैसा सब कुछ है, कैसा कैसा होता है, ठीक है। अभी बारिश हो रहा है, बारिश में खड़े खड़े वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ बता दिया आप लोगों का हॉस्टल के बारे में। कोई आंसर मतलब क्वेश्चन करोगे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कमेंट में क्वेश्चन करना हॉस्टल के बारे में, तो मैं आंसर दे दूंगा। अभी बारिश ज़्यादा आ रहा है तो अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक वीडियो रखते हैं, यहाँ तक वीडियो देख लिया और अच्छा लगा तो लाइक करना, ऐसा सब्सक्राइब करना, मिलता है आप लोग सब परसों और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बारिश आ गई।